हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल योमी एन साइंस में। क्लास 8 सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक सेकंड पार्ट। सिंथेटिक फाइबर मैन मेड फाइबर भी कहलाते हैं, यानी कि जो सिंथेटिक फाइबर हैं वो इंसानों द्वारा या मानव के द्वारा निर्मित होते हैं, जिसमें रेयन, नायलॉन, पॉलिस्टर और एक्रेलिक के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आपने देखा है सिल्क, जो कि सिल्क मॉथ से प्राप्त किया जाता है। सिल्क वॉर्म जो है उसके कोकून से सिल्क का जो फाइबर है वो प्राप्त किया जाता है, और ये एक एनिमल फाइबर है। लेकिन जो सिल्क है वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है, जिस कारण से हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर सकता या हर कोई ख़रीद नहीं सकता है। तो इसीलिए एक सिल्क को मानव द्वारा निर्मित किया गया, यानी कि सिल्क की तरह दिखने वाला एक फाइबर मानव ने बनाया, जिसे रेयन या आर्टिफिशियल सिल्क कहा जाता है। सच अ फाइबर वॉज ऑब्टेन बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प, जिसे हम सेल्यूलोज कहते हैं। सच अ फाइबर, एक ऐसा फाइबर जो कि वुड पल्प को केमिकल ट्रीटमेंट के द्वारा बनाया गया, वो फाइबर आर्टिफिशियल सिल्क और रेयन कहलाता है। अब ये सेलुलोज एक टर्म है, सेलुलोज इसका मतलब क्या होता है आप जानते हैं। पॉलीमर्स, यानी कि ये मैंने आपको बताए थे, माना ये क्या है, मोनोमर्स है। मोनो यानी कि एक, मर्स मतलब पार्ट, तो ये क्या है, एक मोनोमर है। और इस मोनोमर का नाम है ग्लूकोज, ग्लूकोज, ठीक है। तो ये भी ग्लूकोज, 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 यानी कि बहुत सारे क्या हो गए, मोनोमर्स हैं। जब ये मोनोमर्स मिलते हैं तो ये बनाते हैं पॉलीमर्स, पॉलीमराइजेशन ये प्रोसेस कहलाती है, और ये बनते हैं पॉलीमर्स। तो ये जो पॉलीमर्स हैं, ग्लूकोज के पॉलीमर्स हैं, ये कहलाते हैं सेलुलोज, ये कहलाते हैं सेलुलोज। तो ये क्या हो गया, ग्रुप ऑफ ग्लूकोज, ग्रुप ऑफ सेलुलोज, यानी कि बहुत सारे इसमें क्या हैं, ग्लूकोज हैं, तो वो कहलाता है सेलुलोज। सेलुलोज इज अ प्लांट पॉलीमर मेड ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का पॉलीमर्स है। इसको क्या करते हैं, इसको केमिकल यानी कि एसिड में सोडियम हाइड्रोक्साइड, बहुत सारे केमिकल जो चीज़ें हैं उनमें डाल करके पिघला लिया जाता है। पिघला देते हैं, उसके बाद एक टाइप का कुछ यंत्र, एक वो होता है, इसमें हल्के छोटे छोटे से छेद होते हैं। इस छेद से जो ये वुड सेलुलोज का जो ये वुड पल्प है, इसको मेल्ट किया जाता है केमिकल ट्रीटमेंट से, यानी कि एसिड से, सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह से इसको पिघला लिया जाता है, और पिघले हुए को इसके अंदर से इस तरीके से डालते हैं। जब हम यहाँ डालेंगे तो उसमें छेद हैं, छेद से ये क्या होते हैं, फाइबर इस तरीके से निकलते हैं, पतले पतले रेशे टाइप के निकलते हैं, और ये बनाते हैं रेयन और सिल्क। ऑल दो रेयन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स वुड पल्प, येट इट इज़ अ मेड मैन मेड फाइबर। ये क्या है, नेचुरल सोर्स से मिल रहा है, आप देख रहे हैं वुड पल्प है, प्लांट से हमें मिलता है ये क्या है, लेकिन इसको क्या करते हैं, मैन मेड बना रहे हैं, यानी कि मैन इंसानों ने इसे बनाया है, इसलिए इसे सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। इट इज़ चीपर देन सिल्क एंड कैन बी वोवन लाइक सिल्क फाइबर। इसकी क्या है, सिल्क से सस्ता होता है, और सिल्क की तरह इसके कपड़े बनाए जा सकते हैं, बुनाई की जा सकती है सिल्क की तरह। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, क्या क्या इसके गुण होते हैं, रेयन के क्या क्या गुण होते हैं। गुड एब्जॉर्बेंट ऑफ स्वेट, जो पसीना है उसको, क्योंकि ये क्या करता है, अवशोषित अच्छी तरीके से करता है, सोख लेता है, जो पानी है या पसीना जिसको बोलते हैं, तो वो क्या है, उसको अच्छे से सोख लेता है, इसलिए ये एक इसकी प्रॉपर्टीज़ है। ड्रैप वेल, यानी कि इस तरीके से जो है लटक अच्छी तरह से जाता है। ईजी डाइड एंड वुवन विद इन टू क्लॉथ, इसको कई तरह के रंगों में रंगा जा सकता है, यानी कि डाइस में अच्छी तरह से हो जाती है, और इसको जो कपड़ा है, कपड़ा इससे बनाया जा सकता है। लस्टर इन अपेरेंस, यानी कि ये क्या है, चमकीला, चमक इसके अंदर होती है, जैसे सिल्क में चमक होती है वैसे ही इसमें भी चमक होती है। इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड इट कम्फर्टेबल टू वेयर, ये क्या करता है, मॉइस्चर नमी को एब्जॉर्ब करता है, और पहनने में भी आरामदायक होता है। इट कैन बी ईजिली डाइड इन डिफरेंट कलर, ये अलग अलग कलर्स में डाई किया जा सकता है। तो
तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं मेन। ये क्या है, कंफर्टेबल है। क्यों कंफर्टेबल है, क्योंकि ये क्या करता है, जो मॉइस्चर है उसको कर लेता है, सोख लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है अच्छे से, सबसे बड़ी बात। इसलिए इसको क्या है, कपड़े बनाने में भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, यूज़ ऑफ रेयन। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं और उसके बाद इसके यूज़, इससे बनाया क्या क्या जाता है। ड्रेस मटेरियल बिकॉज ऑफ इट इज़ सॉफ्ट सिल्की एंड मॉइस्चर एब्जॉर्बेंट। तो ये क्या है, सॉफ्ट है, सिल्की है, सिल्क दिखता है, चमक इसमें है सिल्क की जैसी, सॉफ्ट है और मॉइस्चर एब्जॉर्बेंट यानी कि ये मॉइस्चर को क्या करता है, सोख लेता है। कर्टन बिकॉज इट रैप्स वेल, ये इस तरीके से लटक जाता है, इसलिए इसके क्या बनाए जाते हैं, पर्दे बनाए जाते हैं। अब हॉस्टलरी फॉर लग्जरी कार्स एंड ऑफिस एंड होम फर्नीचर, जो आप देखते हैं जो पर्दे हैं या फिर चादरें हैं घर में सजाने के लिए, कई तरह के लग्जरी आइटम्स से बनाए जाते हैं। यूज़ टू मेक जैकेट एंड ट्रैक सूट, जैकेट और ट्रैक सूट इससे बनाए जाते हैं। सर्जिकल ड्रेसिंग, और जो डॉक्टर्स वगैरह जब सर्जरी करते हैं या उनका जो एक ड्रेस होता है बाहर से वो पहनने वाला, तो वो भी किससे बनाया जाता है, रेयन से बनाया जाता है। मिक्स्ड विद फाइबर ग्लास फॉर मेकिंग हेलमेट्स, फाइबर ग्लास के साथ इसको मिक्स करके हेलमेट बनाया जाता है। इसको जो ऊन है, वुल है, उसके साथ मिक्स करके कालीन भी बनाते हैं, और सिल्क के साथ मिक्स करके इसके कपड़े भी बनाते हैं। तो ये क्या है, बहुत सारी चीज़ों के साथ मिक्स करके कई तरह की चीज़ें बनाई जाते हैं। सस्ता देखने, सस्ता भी है और टिकाऊ भी होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो सिंथेटिक फाइबर है वो है नायलॉन। नायलॉन इज़ अनदर मैन मेड फाइबर इन 1931 में जो नायलॉन है वो सबसे पहले बनाया गया। इट वॉज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल, ये किसी नेचुरल मटेरियल से नहीं बनता है। जैसे कि रेयन है वो किससे बनता है, वुड पल्प जिसका नाम क्या था, सेलुलोज, तो उससे बनता है। लेकिन जो नायलॉन है ये किसी नेचुरल रॉ मटेरियल से नहीं बनता है। इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर, ये किस किस से मिलता है, कोल, वाटर एंड एयर, यानी कि तीन चीज़ें मिला करके ये क्या बना रहा है, नायलॉन। और इसमें अभी बहुत सारी केमिकल वगैरह भी मिलाए जाते हैं। इट वॉज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर, ये क्या है, पहला फुली सिंथेटिक फाइबर है, क्योंकि जो इससे पहले नायलॉन हमने पढ़ा उसमें क्या था, जो प्लांट है प्लांट से रॉ मटेरियल ले रखा था, जो वुड पल्प है उससे रेयन बना, इसलिए उसे पूरी तरह सिंथेटिक फाइबर नहीं कहा जाता है। लेकिन नायलॉन जो है पूरा सिंथेटिक फाइबर है, क्योंकि ये किसी नेचुरल सोर्स से नहीं बनता है। नायलॉन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट, जो नायलॉन का फाइबर है वो स्ट्रॉन्ग है, इलास्टिक खींचता है और लाइट है, वेट में क्या है, हल्का है। इट वॉज लस्टर एंड ईजी टू वॉश, ये चमकीला भी होता है और धोने में भी बहुत आसानी होती है। सो इट बिकम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ, इसलिए क्या है, धोने में बहुत आसानी है, चमक रहा है, देखने में अच्छा लगता है, इसलिए ये क्या है, कपड़े बनाने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसके यूज़ क्या क्या चीज़ें इसकी बनाई जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें हम बनाते हैं, जैसे कि सॉक्स नायलॉन के होते हैं, रस्सी आपने देखी होगी, टेंट, जो कहीं रुकना होता है उस जगह टेंट लगाते हैं तो वो भी किसके बनाए जाते हैं, नायलॉन के बनाए जाते हैं। टूथब्रश आपके हैं, कार सीट, बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स पूरा ही किए, और कर्टेंस जो हैं ये किससे बनाए जाते हैं, ये सारे के सारे नायलॉन से बनाए जाते हैं। और भी यूज़ नायलॉन के हैं, जैसे कि पैराशूट है, आपने देखा होगा पैराशूट टीवी वगैरह में, इस तरीके का है, जब ऊंचाई से कूदते हैं तो उसको पहना जाता है, इसमें जो ये रस्सियाँ हैं ये नायलॉन की रस्सियाँ पूरी हैं। तो ये क्या है, इसका मतलब है कि ये क्या है, बहुत मजबूत है, क्योंकि ये जब नीचे को आ रहा है ये तब इसको लटकता हुआ पूरा नीचे आ रहा है, इसमें कई कितना भार होगा आप सोच सकते हैं, लेकिन फिर भी ये टूटता नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। रोप फॉर रॉक क्लाइंबिंग, जब हम चढ़ते हैं पर्वतारोहण यानी कि जिसे कहते हैं पर्वत में ऊपर की ओर चढ़ते हैं, तो भी जो रस्सी होती है ये रस्सी किसकी है, नायलॉन की है। तो जो नायलॉन का थ्रेड है वो क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये क्या कह रहे हैं, स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर, स्टील वायर से भी क्या है, बहुत ज़्यादा
पक्का है, इसीलिए ये पॉपुलर हो रहा है क्योंकि ये पक्का इजी टू वॉश है और चमकता है अच्छी, ये सारे के साथ ड्यूरेबल है, काफ़ी समय तक चलता है, इसलिए नायलॉन का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों में किया जाता है।